नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। लाकेरी पुलिया से बारात की बस नदी में गिरी, 25 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल, पूर्व कबीना सेवक की हुई धुलाई। मीनार में वर्षों बाद बैलगाड़ियों पर आई बारात का किया अतिशय स्वागत, झूम कर नाचे बराती और घराती। निगम के जिम्मेदारों, अब रुकना मत, डटे रहना, अस्थायी अतिक्रमण तो गरीबों के हैं, अमीरों के स्थायी अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई तो करना। एमबी हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी सेंटर बनकर तैयार, जिम्मेदारों को अब किसका है इंतजार, धूल फांक रहे हैं अत्याधुनिक उपकरण। और कालोर के खेतों में लग रही है काले सोने की बहार, शीतलहर और नीलगायों के आतंक ने किया कईयों को बर्बाद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खुशी के मातम में तब्दील होने की। विवाह समारोह में शरीक होने जा रहे लोगों की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब एक बस चालक की लापरवाही से बारातियों से भरी बस नदी में जा गिरी। प्रदेश के बूंदी जिले के लाखेरी की मेज नदी में बारातियों से भरी बस डूबने से 25 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोटा लालसोट मेगा हाईवे के पापड़ी गांव की एक पुलिया से गुजरते वक्त एक बस असंतुलित होकर मेज नदी में जा गिरी। बुधवार सुबह हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और राह चलते लोगों ने डूबने वाले लोगों को बचाने का प्रयास किया और कुछ लोगों को बचा भी लिया गया, लेकिन बुधवार शाम तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी। बुधवार को हुए इस दुखद हादसे के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी हेलीकॉप्टर से कोटा पहुंचे। हादसे के बाद ओम बिरला लगातार जिला प्रशासन से संपर्क में रहे। वहीं पूर्व कबीना सेवक बाबूलाल वर्मा भी मौके पर पहुंचे, लेकिन गुस्साई भीड़ ने श्री वर्मा की लातों घूसों से बरसात कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि यह पुलिया लंबे समय से जर्जर अवस्था में है और कई बार प्रदेश स्तर तक इसकी शिकायत कर दी गई थी, लेकिन सभी जिम्मेदार शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे थे, इसी वजह से इस पुलिया की सुध नहीं ली गई और बुधवार को आखिर बड़ा हादसा हो ही गया। हमारे यहाँ लाखेरी में पापड़ी पुलिया पर अभी भी आधे ढाई घंटे पहले बस गिरी थी, उसको निकालने ना तो पुलिस के जवान आए ना प्रशासन आया, सिर्फ गांव के लोग और लाखेरी के लोग जो लग के मिल के निकाली लाशें वगैरह। उसके बाद में प्रशासन आया, उसके बाद में कलेक्टर साहब आए, उसी के बाद में मंत्री जी आए, उसके पहले कोई नहीं आया जब लाशें। और लाखेरी में एक ही डॉक्टर थी मांगी लाल जी, उसके अलावा कोई डॉक्टर नहीं है। और मांगी लाल जी यहीं थे वहाँ हॉस्पिटल में, मरीजों को किसने संभाला, हमें इस बात की जवाबदारी थे। मैं मेरे घर पर चाय पी रहा था, 10 बजे फोन आया किसी का लाखेरी से बस गिर गई। जब मैं मेरे कोटा खुर्द गांव से इतनी दूरी होने के बाद भी फटाफट मेरी गाड़ी लेकर यहाँ पहुंचा, मैंने तुरंत पहुंचकर यहाँ काफी सारे लोग मशक्कत में लगे हुए थे, देखना थाने के पूरे SHO लाखेरी की पूरी टीम यहाँ पर थी, पर हमारे जिला प्रशासन में ऐसी कमी हमें महसूस हो रही है, ना तो कोई क्रेन हमारे पास है, ना कोई साधन, ना कोई ऐसा उपचार, ना कोई गोताखोर, ना कोई नाव, तो ये लापरवाही सरकार के, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इतने सालों पुरानी मांग, कोई हजार रुपए की नहीं है, इतनी सालों पुरानी मांग जो पुलिया की थी उसको आज तक पूरा क्यों नहीं किया गया, इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, प्रशासन खड़ा देखता रहा, बाकी हम अगर गांव के लोग नहीं होते तो शायद इतने लोग बाहर नहीं निकल पाते। प्रशासन के लोग SDM साहब थे, SDM साहब के अलावा कोई नहीं था यहाँ पे, और पुलिस वाले कमर के हाथ खड़े हुए लगे हुए थे खड़े करके। 9:30 बजे जब मैं स्कूल जा रहा था उस समय मेज नदी के ओली तरफ पुड़िया के जहाँ पर मोटरें लगी हुई ऐसी जलदाय विभाग की, वहाँ मैं पहुँचा, उससे पहले उधर से गाड़ी आई बस, और बस वाले ने ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की, नहीं तो ये हादसा टल सकता था। तुरंत मैंने गाड़ी साइड में लगाई, कपड़े खोल के और मैं कूदा, मेरे देखते हुए वहाँ ना रहे थे उनमें से एक और कूदा, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, बड़ी मुश्किल से वह फाटक तोड़ी, जब जाके वह
पहले पहले तो जिंदे निकाले, 5-6 आदमी लगभग जिंदे निकाल लिए थे, और बाद में जो निकालते रहे वो सब मृत निकले, और बाई चांस कोई थोड़ा बहुत जीव था, उन्होंने उनको हाथों हाथ लकेरी रेफर किया। तो ये बस किधर से आ रही थी? बस कोटा की तरफ से आ रही थी, उस पहले पुड़िया के पहले छोर पे बस थी और मेरी गाड़ी वाली छोर पे थी। असंतुलितों की गिरी है? असंतुलितों की गिरी, और वह यदि ब्रेक भी लगा था तो बच सकती थी। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी चिकित्सालय में बन रहे सुपर स्पेशलिटी सेंटर का भवन अब उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। इस भवन में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर सहित 7 मंजिल है, जहां मरीजों को सरकारी चिकित्सालय में निजी चिकित्सालय का एहसास होगा। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय परिसर में बन रहे इस सुपर स्पेशलिटी सेंटर में 9 विभागों का संचालन होगा। इन 9 विभागों में मुख्य रूप से गंभीर बीमारियों से जुड़े मरीज रहेंगे, जिन्हें अत्याधुनिक चिकित्सकीय मशीनों से बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सकेगा। इस भवन के नीचे की 3 मंजिल का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि ऊपरी मंजिल पर महज 10% काम ही शेष बचा है। इस भवन को बनाने वाली कंपनी HSCC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 3 मंजिल शुरू करने के लिए चिकित्सालय प्रबंधन के सामने प्रस्ताव भी रखे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी के चलते प्रबंधन भी अभी इसे शुरू करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। हालांकि हॉस्पिटल प्रबंधन ने कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी के धीमे कार्य की वजह से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शुरू होने में देरी की बात कही है। देखो, हमारे CSS जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके तहत 159 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन रहा है। अभी राजस्थान में केवल 3 ऐसे भवन बन रहे हैं सुपर स्पेशलिटी के, एक कोटा में और एक बीकानेर और एक उदयपुर। ये भवन लगभग बन के तैयार है। इसमें जो सिविल कंस्ट्रक्शन का जो काम कंपनी कर रही है और जो मॉनिटर कर रही है HSCC, उसका थोड़ा काम बकाया है, जिसमें कि कुछ फ्लोर्स पे टॉयलेट्स के निर्माण में छोटी मोटी कमी है या फ्लोरिंग में कमी है। ये काम वैसे तो 31 दिसंबर तक पूरा होना था, क्योंकि जो इसके डायरेक्टर हैं PMSSY के, दिल्ली से मिस्टर जितेंद्र अरोड़ा आए थे, उन्होंने राउंड लिया था। उस राउंड के बाद में ये डिसाइड हुआ था कि 31 दिसंबर तक सारा काम पूरा हो जाएगा, मगर उसमें अभी भी कमी है। हम बार बार उनको लिख के दे रहे हैं कि भाई एजेंसी काम धीरे कर रही है, और उपकरण ज़्यादातर आ गए हैं पर उन उपकरणों का इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन तभी होगा जबकि सिविल काम पूरा हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अगले 1 महीने में, यानी कि मार्च तक हम पूरे एजेंसीज के पीछे लगे हुए हैं, ये काम पूरा हो जाएगा। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भले ही निजी चिकित्सालय सा एहसास कराता हो, लेकिन इससे संचालन के लिए स्टाफ की पूर्ति जब तक सरकार द्वारा नहीं की जाती, तब तक इसमें जो सुविधाएं देने का वायदा किया जा रहा है वो बेमानी सा नजर आता है। हॉस्पिटल प्रबंधन ने सरकार को पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी है और महज मेडिकल स्टाफ के लिए 15 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त बजट की मांग की है। यही नहीं, अन्य 225 पदों पर नई भर्ती के लिए भी सरकार को लिखा गया है। हालांकि प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल का मानना है कि यदि इसे शुरू करना होगा तो वर्तमान स्टाफ को ड्यूटी लगाकर शुरू किया जा सकेगा, लेकिन स्टाफ की पूर्ति करना जरूरी होगा। वर्तमान में हम जो जितने चिकित्सक हैं और जितना नर्सिंग स्टाफ है, जितना लैब टेक्नीशियन है, उससे एक बार काम शुरू कर देंगे, और हमने राज्य सरकार को स्टाफ के लिए लिख के भी दिया है, और राज्य सरकार के स्तर पे नई पोस्ट क्रिएट करने की कार्यवाही भी चल रही है वित्त विभाग में। अभी आज ही मेरी बात हुई थी तो वित्त विभाग में भेजा हुआ है कि भाई ये पद हमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को चालू करने के लिए नए सृजित करने, वो कार्यवाही भी चल रही। वर्ष 2016 में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के भवन का कार्य HSCC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कार्य शुरू किया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त बजट से इसका निर्माण हो रहा है, जिसमें सरकार की यह सोच है कि सरकारी चिकित्सालय में आने वाले व्यक्ति को भी सरकार अत्याधुनिक तकनीक के साथ चिकित्सा उपलब्ध करा सके। इसी सोच के साथ इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में रेडियोथेरेपी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, यूरो मेडिसिन, प्लास्टिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी से पीड़ित मरीजों को इलाज मिलेगा।
हॉस्पिटल के इस भवन में इससे बनाने वाली कंपनी ने पूरा सामान पहुंचा दिया है। यहां ऑफिस स्टाफ के लिए भी फर्नीचर लग चुका है, लेकिन कंपनी और चिकित्सालय प्रबंधन के लंबित पत्राचार के चलते इसके तैयार हुए फ्लोर भी काम में नहीं लिए जा रहे हैं। दरअसल इस भवन में अत्याधुनिक मशीनें भी पहुंच चुकी है, जो करीब 6 महीने से भी ज्यादा समय से धूल फांक रही है। हालांकि डॉक्टर लाखन पोसवाल का कहना है कि उन मशीनों का जब हॉस्पिटल में इंस्टॉलेशन होगा तभी से उसकी जिम्मेदारी चिकित्सालय की रहेगी, उससे पहले ये उसे लगाने वाली कंपनी की रहेगी। इस भवन को बनाने में करीब 53 करोड़ रुपए लगे। हॉस्पिटल के वार्ड को तैयार करने के सामान और ऑफिस सामान करीब 5 करोड़ रुपए से लगे हैं और वही अन्य मशीनें लगाकर कुल 159 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इसमें हमारे 9 जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं वो शिफ्ट होने, जिसमें यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है और गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी है, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, प्लास्टिक सर्जरी है, कैंसर विभाग है, इसके अलावा न्यूरो सर्जरी है, न्यूरोलॉजी है, इस तरह से मिला के 9 विभाग इसमें शिफ्ट होंगे। और अगले फेज में जैसे ये विभाग वहाँ सुचारू रूप से कार्य करना चालू कर देंगे तो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे कि गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधाएँ उदयपुर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में चालू करने की कोशिश करेंगे। इसमें न्यूरोलॉजी के बहुत ही अत्याधुनिक उपकरण आ रहे हैं, DSA मशीन वगैरह आ रही है, कैंसर के बहुत अत्याधुनिक उपकरण आ रहे हैं कैंसर इलाज के, और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अत्याधुनिक उपकरण लिथोट्रिप्सी और यूरोफ्लोमेट्री वगैरह सारे के सारे आ चुके हैं। तो ऐसी कोई भी उपकरण नहीं होगा जो इस भवन में नहीं होगा और जो सुविधा हम उदयपुर के आसपास के लोगों को नहीं दे पाएंगे। उदयपुर के मीनार गांव में बुधवार को अनूठी बारात पहुंची। पुरानी परंपराओं के अनुसार बैलगाड़ी में दूल्हा बारातियों के साथ गांव पहुंचा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। शादी को आकर्षित बनाने के लिए आजकल विशेष बंदोबस्त किए जाते हैं। इसी कड़ी में वाना गांव से निकली बारात ने बैलगाड़ी को चुना। गांव से 5 बैलगाड़ी में बारात रवाना हुई जो हाईवे से होती हुई मीनार गांव पहुंची। बैलगाड़ी से निकलने वाली इस अनूठी बारात को जिसने भी देखा वह इसकी तारीफ करने से नहीं चुका। बैलगाड़ी में बारात के साथ बाराती भी सजधज कर बैठे थे। बारातियों ने भी इस अनूठे अंदाज का पूरा मजा लिया और DJ के गानों पर बैलगाड़ी में ही जमकर थिरके। मीनार गांव में भी पारंपरिक अंदाज से निकली इस बारात का सभी ने पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते की ओर से शहर में लगातार अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही अतिक्रमण के दायरे में आ रहे सामानों को भी जब्त किया जा रहा है। ऐसे में कई जगह लोगों का विरोध भी अधिकारियों को झेलना पड़ रहा है। बुधवार को भी जब अतिक्रमण निरोधी दस्ता हॉस्पिटल रोड पर पहुंचा तो MB हॉस्पिटल के बाहर खड़े बिना लाइसेंस वाले ठेले हटाए जा रहे थे। इस दौरान माकपा नेता राजेश सिंह भी ठेला व्यवसायी और निगम के अधिकारियों में हॉट टॉक हो गई, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने पुलिस जाब्ते और होमगार्ड के जवानों के बीच बिना लाइसेंस वाले ठेले जब्त किए। इसके बाद यह टीम चेटक चौराहे पहुंची जहां रोड पर गंदगी करने पर अड्डा व्यापारियों का भी चालान बनाया गया। वहीं हॉस्पिटल के सामने मेडिकल व रेस्टोरेंट संचालकों को भी दुकानों के बाहर सामान नहीं रखने की हिदायत दी गई। आपको बता दें कि कुछ दिनों से निगम की टीम शहर के बाजारों में हो रहे अतिक्रमणों को हटाने के साथ जुर्माना लगाने की कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी हुई है। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना शुरू किया गया। यह धरना MB हॉस्पिटल के इमरजेंसी के सामने लगाया गया है। संघ के अध्यक्ष अंकिता माथुर ने बताया कि प्रमुख मांगों में 5 स्तरीय कैडर गठन, सेवा नियम बनाना, ग्रेड पे 4,200 करना और विभिन्न भत्तों को प्रशासन को अवगत कराना प्रमुख रहा। इस धरने में MB हॉस्पिटल, चांदपोल, हिरणमगरी सहित विभिन्न डिस्पेंसरी के फार्मासिस्ट मौजूद रहे। ये धरना आगामी 28 फरवरी तक जारी रहेगा। आज हम सब यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि जो अक्टूबर 2011 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई थी तब से लेकर के आज दिनांक तक फार्मासिस्ट का कोई कैडर, सरकारी फार्मासिस्ट का कोई कैडर नहीं बना है, सेवा नियम भी नहीं बन पाए और उन्हें समकक्ष कोई भत्ते नहीं मिले। उस कारण से हमें अब संघर्ष, तब से हम 9 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हमें राजस्थान पूरे राज्य स्तर पर हर जिले में 24 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ है। इसमें 25 फरवरी से
से लेकर के 28 फरवरी तक हम क्रमिक धरना दे रहे हैं अपने इमरजेंसी के द्वारा, और उसमें फिर इसमें 29 फरवरी से लेकर के 3 तारीख तक काली पट्टी बांध करके अपना कार्य करेंगे। उसके बाद 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक हमारा 2 घंटे कार्य बहिष्कार रहेगा 9 से 11। उसके फिर अगर 10 मार्च तक भी सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हमें फिर मजबूरन हमें 11 मार्च को पूर्णतः हड़ताल पर जाना होगा, मास सीएल लेनी पड़ेगी। अब क्योंकि पूरे देश भर में हमारी योजना प्रथम स्थान प्राप्त करती है हर साल, परंतु फिर भी फार्मेसिस्ट अभी तक नहीं बना है। फार्मेसी इस मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की मुख्य कड़ी है। अगर यही इनका ही करियर नहीं बनेगा, कैडर नहीं बनेगा, तो असंतुष्ट फार्मेसिस्ट अपनी सेवाएं पूर्ण रूप से नहीं दे पाएगा। इसलिए मेरी मीडिया से सरकार से यही अनुरोध है कि वो हमारी बात सुने और हमारे कैडर को और सेवा नियम बनाए। धन्यवाद। राजसमंद सांसद दिया कुमारी अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत पांडुकला, टहला सहित अन्य क्षेत्रों के कार्यक्रमों में शामिल हुई। इस दौरान सांसद दिया कुमारी ने टहला में जन सुनवाई की और ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद सांसद दिया कुमारी ने पांडुकला में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुई। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रदेश की सरकार सिर्फ वादे करती है जो सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। प्रदेश के बजट से काफी उम्मीदें थी लेकिन ये बजट सिर्फ घोषणा पत्र बनकर रह गया। इससे पूर्व सांसद दिया कुमारी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। भाजुमो मंडल अध्यक्ष बस्तीराम प्रजापत व रविशंकर जोशी के नेतृत्व में चुनरी उड़ाई व तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। स्थानीय ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी। ग्रामीणों ने अस्पताल का क्रमोन्नत करवाने, सीएचसी बनाने, अस्पताल में चिकित्सक लगवाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से रखी। वहीं पांडुकला से बेड़ास खुर्द डामरीकरण सड़क बनाने की मांग, बस्सी की ढाणी को नेशनल हाईवे से जोड़ने व डामरीकरण सड़क निर्माण करवाने की मांग प्रमुख थी। इस दौरान जगदीश प्रसाद दायमा चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष नवरत्न सिंह, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष संध्या भाटी, भाजपा मंडल अध्यक्ष राम किशोर पंचारिया, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हरजी राम मेहरा सहित भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। बहुत बड़ा आप लोगों का भी एहसान है समझूंगी कि आप लोगों ने मुझ पे इतनी भारी जिम्मेदारी दी है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने की। आपकी सारी समस्याएं, आपकी सारी जो यहाँ इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो विकास है, विकास के कार्य है। झालावाड़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़बड़ में वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रहलाद मीणा रहे व कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य नंदकिशोर मीणा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजा वंदना के साथ दीप प्रज्वलित करके की गई। प्रधानाचार्य नंदकिशोर मीणा ने बताया कि बच्चों में ढेर सारी प्रतिभाएं छिपी होती है, उनकी प्रतिभा को सामने लाने के अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में वार्षिक उत्सव समारोह, बच्चों के सम्मान समारोह आदि के आयोजन से बच्चों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच मिलता है। इस अवसर पर बच्चों ने स्वागत गीत गाया तथा वेस्टर्न डांस, राजस्थानी लोक नृत्य, घूमर, हाड़ौती नृत्य, नुक्कड़ नाटक, विभिन्न मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिसमें देशभक्ति नाटक पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। वंदे मातरम, भारत माता के जयकारों से पूरा विद्यालय गुंजायमान हो गया। देशभक्ति के माहौल में विद्यालय रंग गया। शहीदों पर किए गए नाटक की प्रस्तुति में लोगों के आंखों से आंसू बहने लगे। कार्यक्रम को देखते समय लोगों ने घनघोर तालियां बजाई। विद्यालय की छात्राओं ने देशभक्ति नाटक की प्रस्तुति दी जो काफी मनमोहक रही। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को वर्षों बीत गए लेकिन एक नन्ही चाहत में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नील कंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नील कंठ तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास लिया और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बच्चे की, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट यू बेबी सेंटर उदयपुर। रियल
realizing the dream of motherhood. Thank you, Nail Girl. हर किसी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे पद पर काम करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इसके लिए सही दिशा और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदयपुर में है नामचीन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां आप पा सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम। जी हाँ, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना और आप चाहते हैं शिक्षक, पटवारी, व्याख्याता, ग्राम सेवक, LDC, कांस्टेबल या कोई सरकारी नौकरी आपको मिले, तो देर न करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मिलेगा अनुभवी व्याख्याताओं की मौजूदगी में सभी प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण। साथ ही आपको मिलेगा दिनेश राज पुरोहित सर का निर्देशन। हमारा पता है 16 गोवर्धन टावर, स्वागत वाटिका के पास, 100 फीट रोड, हिरण मगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8890091156 और 9983480670। अ जॉइंट वेंचर ऑफ अधिगम जयपुर। हमारी ब्रांच दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9352519518। तो देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कंपटीशन क्लासेस। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरण मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 0294-2426-838। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ की ओर से जयपुर में महापड़ाव और धरना दिया गया। इस महापड़ाव में प्रदेश भर से करीब 4000 से अधिक ऑपरेटर्स ने भाग लिया। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार उन्हें बेरोजगार करने का निर्णय ले चुकी है। जहां सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को नियमित करने का वायदा किया जा रहा है, लेकिन निःशुल्क दवा योजना को देश भर में प्रथम स्थान दिलवाने वाले कर्मियों को 29 फरवरी को बेरोजगार करने जा रही है। इसी विरोध में 19 से 22 फरवरी तक जयपुर में धरना दिया गया। इस धरने के दौरान महासंघ की ओर से 5 सूत्री मांग पत्र भी सरकार तक पहुँचाया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना में लगे हुए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, करीब प्रदेश में 4000 से अधिक लगे हुए हैं, जिनको सरकार ने अभी हाल ही में फरवरी के बाद हटाने के आदेश दे दिए हैं, जिससे 4000 परिवारों का बेरोजगार हो जाएंगे। उन मांगों को लेकर हमने 17 फरवरी को यहां पर कलेक्टर के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन भी दिया था और आज हम प्रदेश के पूरे 4000। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे के प्रखर राष्ट्रवादी, महान क्रांतिकारी और हिंदू संस्कृति के प्रणेता वीर सावरकर
विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भाजयुमो मंडल सेमारी की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष सेमारी राजेंद्र कुमार कलाल द्वारा सावरकर के जीवन का परिचय एवं भारत की आजादी में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया। साथ ही भाजयुमो अध्यक्ष सुभाष चंद्र प्रजापत, महामंत्री रामलखन सिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष भावेश चौबीसा, मीडिया मंडल मंत्री जितेंद्र प्रजापत, नरेश रेवारी एवं अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। उदयपुर जिले के कानोर क्षेत्र में काला सोना पककर तैयार हो चुका है। पूरा क्षेत्र मदहोशी से महक रहा है। माता जी के पूजन के बाद काला सोना के नाम से मशहूर अफीम की फसल पर इन दिनों चीर लगाने व लुवाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं कुछ खेतों में अभी कुछ देरी बाकी है। लंबे समय से इस फसल को नीलगाय से बचाने के लिए दिन रात खेतों पर ही रहकर रखवाली कर रहे किसानों को गत दिनों की शीतलहर ने नुकसान पहुंचाया था। पीथलपुरा पूर्व सरपंच किशनलाल जाट व वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि शंकरलाल जाट बताते हैं कि गत दिनों की शीतलहर व बर्फबारी से फसल का विकास अवरुद्ध होने से आधे डोड़ों पर ही दूध आ रहा है। वहीं पत्ते सूख जाने से फसल के जल्द सूख जाने की चिंता भी सता रही है। इन दिनों चल रही लुवाई में अफीम का पतलापन होना नुकसान पहुंचा सकता है। दूध का पतलापन होने से लिवाई कर रहे किसानों को दूध जमीन पर गिरने से बचाने के लिए बर्तन को साथ रखना पड़ रहा है, जिससे लुवाई कार्य को गति नहीं मिल पा रही है। हम आपको बता दें कि लुवाई का कार्य प्रातः 7 बजे शुरू होता है, जो 10 बजे तक जारी रहता है। दोपहर 12 बजे बाद से फिर चीरा लगाने का कार्य किया जाता है, जिसकी लुवाई दूसरे दिन प्रातः की जाती है। हम आपको बता दें कि तस्करी व अफीम की खेती से मशहूर चित्तौड़ प्रतापगढ़ जिले से सटा उदयपुर जिले का कुछ हिस्सा, जहां वर्षों से अफीम की खेती होती आ रही है। वल्लभनगर क्षेत्र के कुछ गांवों में भी अफीम की खेती होती है, जिसमें धारता, बांसड़ा, चारकदिया, अमरपुरा, खालसा, मेनार, रुंडेड़ा, नवानिया, वाना, सालेड़ा, सारंगपुरा, पीथलपुरा, लूड़दा पंचायतों के दर्जनों गांवों में काला सोना बोया गया है, जिसमें से कानोड़ के पास सारंगपुरा, लूड़दा व पीथलपुरा, बड़वाई, सालेड़ा में कुछ गांवों में खेतों में लुवाई का कार्य शुरू हो चुका है, तो कुछ खेतों में 8 या 10 दिनों में लुवाई का कार्य शुरू होगा। कृषि अधिकारी मदन सिंह शक्तावत ने बताया कि क्षेत्र में वर्ष 2016-17 में ये फसल 110 हेक्टेयर पर बोई गई थी, जो 2018 में बढ़कर 140 हेक्टेयर, जो आंकड़ा 2019 में बरकरार रहा, लेकिन 2020 में यह आंकड़ा घटकर 115 हेक्टेयर आ गया है। कहते हैं जल ही जीवन है, और जब जल ही प्रदूषित हो जाएगा तो जीवन को कैसे बचा पाएंगे। हर व्यक्ति को पानी बचाने के हर संभव प्रयत्न करने चाहिए। झीलों की नगरी में ही प्रसिद्ध झीलें प्रदूषण का शिकार होती जा रही हैं। आयर की गंदगी से उदय सागर प्रदूषित हो रहा है, और इसमें प्लास्टिक, केमिकल और गंदे नालों के पानी के साथ ही मृत जानवरों के सड़े गले शव भी मिल रहे हैं। उदय सागर के समीप सुखाना की पुलिया के आगे वाले रास्ते पर सड़क की कच्ची पट्टी पर बड़ी संख्या में मृत जानवरों को पटक रखा है। आसपास मवेशियों को पालने वाले लोग मृत मवेशियों को झील किनारे फेंक कर चले जाते हैं, जिससे धीरे धीरे इनके शव उदय सागर के पानी में मिल जाते हैं। बड़ी बात तो यह है कि लंबे समय से यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन आज तक यहाँ किसी ने सुध नहीं ली है। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन यहाँ जानवरों को फेंका जाता है, जिससे बड़ी संख्या में श्वान, चीले, कौए आदि उन्हें नोचने पहुंच जाते हैं। वह इन सड़े गले शवों के आसपास ही रहते हैं और खींचते हुए शवों को झील की तरफ भी ले जाते हैं। कई शव झील किनारे पानी के किनारे पड़े रहते हैं और फिर वह पानी में चले जाते हैं। आपको बता दें कि भोयो के पंचोली, कानपुर, लकड़वास, मटून आदि क्षेत्र यूआईटी की पैराफेरी में आते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में मृत मवेशियों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाए तो झीलों को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। पूर्व उपसरपंच मदनलाल डांगी ने बताया कि यूं तो झीलों को बचाने के लिए कई बार बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन उदय सागर झील की देखरेख करने के लिए कोई भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाता है, जिससे हालात ये बन गए हैं कि यहां मृत मवेशियों का ठिकाना बन गया है। इस क्षेत्र के ठेकेदारों और मृत मवेशियों को उठाने वाले लोग मवेशियों को झील के किनारे पटक कर चले जाते हैं। उदय सागर तालाब के किनारे जो हमारी मेन रोड है, सुकानाका रोड से निकलने का अवसर मिला। इस रोड पर जाते हुए अचानक मुझे इस रोड पर कुछ मृत मवेशियों को जो डाल रखा है उनको देखकर बड़ा अचंभा हुआ। हमारे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की इतनी बड़ी घोर लापरवाही कि उदय सागर तालाब को एक सेफ्टी टैंक बना के रख दिया है। प्रदूषण की मार को झेल रहा यह उदय सागर तालाब सारी केमिकल फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल तो आ ही रहा है, साथ ही जो मृत मवेशियों को जो इस तालाब के किनारे, सड़क के किनारे जो डाला जा रहा है, जो सड़ांद मार रहे हैं, वह इनके टुकड़े उदय सागर तालाब के अंदर गिर रहे हैं, जिससे यह जल
वनस्पतिक एवं पारिस्थितिक विकास के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है। जल प्रदूषित हो रहा है, अधिकारियों की घोर लापरवाही है। मैं समस्त विभागों के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में अपना ध्यान आकर्षित करें कि आखिर इतनी बड़ी घोर लापरवाही कैसे हो रही है। मृत मवेशी सड़क किनारे डाले जा रहे हैं, आए दिन जंगली पास में ही जंगलात होने की वजह से जंगली जानवरों का भी जमावड़ा रहता है। इस रोड पर जंगली जो खुकार जानवर है वह भी इस रोड पर इन मृत मवेशियों से अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ पर शिकार के लिए आते हैं, जिससे कभी भी राहगीरों के साथ में भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इन मृत मवेशियों को जो यह डाला जा रहा है उनके खिलाफ भी ठोस से ठोस कार्रवाई करें एवं इस पर रोकथाम लगाने की कृपा करें। एक तरफ हम जिल विकास प्राधिकरण के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जिलों के विकास के लिए हम लाखों करोड़ों रुपये के विकास के लिए वादे किए गए थे, उनको बजट को पारित किया गया है। अभी तक हमें उदयसागर झील के चारों तरफ रिंग रोड बनाना हमारे UIT द्वारा प्रस्तावित योजना है, वही हमारे हायड का जो सौंदर्यकरण करना है हमें, लेकिन इस तालाब को अगर हम प्रदूषित कर देंगे तो सारी योजनाएं दरी रह जाएगी। मैं जिला प्रशासन से पुनः निवेदन करता हूँ कि इस तरह जो मवेशियों को डाला जा रहा है, जो हमारी झील को उदयसागर झील को सेफ्टी टैंक बना दिया गया है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्शन लेवे। उदयपुर के सेमारी ब्लॉक में स्थित राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंडा में वार्षिकोत्सव बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। साथ ही कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह के साथ छात्र छात्राओं के सम्मान का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय व्यवस्थापक प्रवीण बिंदल ने कहा कि जिस प्रकार आपने पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की है, उसी तरह आगे भी अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और परीक्षाओं में अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता विद्यालय सहित क्षेत्र का नाम रोशन करें। छात्र छात्राओं का विद्यालय स्टाफ व कक्षा 11 के छात्रों द्वारा तिलक एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें सरस्वती स्कूल की छात्रा तमन्ना एवं डिंपल द्वारा कालियो कूद पड़ियो मेला में की शानदार प्रस्तुति दी गई। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। लाखेरी पुलिया से बारात की बस नदी में गिरी, 25 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल, पूर्व कबीना सेवक की हुई धुलाई। मीनार में वर्षों बाद बैलगाड़ियों पर आई बारात का किया अतिशय स्वागत, झूम कर नाचे बराती और खराती। निगम के जिम्मेदारों अब रुकना मत, डटे रहना, अस्थायी अतिक्रमण तो गरीबों के हैं, अमीरों के स्थायी अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई तो करना। MB हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी सेंटर बनकर तैयार, जिम्मेदारों को अब किसका है इंतजार, धूल फांक रहे हैं अत्याधुनिक उपकरण। और कालोर के खेतों में लग रही है काले सोने की बहार, शीतलहर और नीलगायों के आतंक ने किया कईयों को बर्बाद। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।